कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, अंतिम बॉल पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही उदयपुर वाटी की राजनीति में देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता संदीप सैनी पिछले दिनों से हम बात करें कि भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, आज इस प्रकार से उन्होंने एक रैली निकाली और उस रैली में उनके समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। स्वयं संदीप सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगाए और जिस प्रकार से उनका जो भाषण था उसमें भी हम कहीं ना कहीं हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और लगातार उनकी ओर बोला जा रहा था, तो इससे जाहिर होता है कि संदीप सैनी क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अनिश्चितताओं की राजनीति हो गई है उदयपुर वाटी की, किसी भी करवट बैठ सकती है उदयपुर वाटी की राजनीति का ऊँट, कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो भविष्य के गर्भ में आखिर टिकट किन को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से आज संदीप सैनी ने जो रैली की है उससे अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार संदीप सैनी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, परंतु जिस प्रकार से आज उनकी सभा में जो लोग उमड़ के आए थे उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा संदीप सैनी ने, वो आप सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। आज आपने बाडा नरा से जो यात्रा आप लेके आए हैं, काफी गाड़ियां आपके साथ आई है, और ये यात्रा क्यों निकाली गई? सबसे पहले तो ये प्रश्न जनता पूछना चाहती है। देखो, ये यात्रा उदयपुर वाटी के स्वाभिमान के लिए निकाली गई है, ताकि उदयपुर वाटी के 36 कौम का स्वाभिमान जिंदा रहे, उसके लिए यात्रा, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा, और वर्तमान विधायक के कुकृत्यों के ऊपर ये उदयपुर वाटी के 36 कौम ने ये यात्रा निकाली है। आप एक काली डायरी लेके साथ चल रहे थे, वो काली डायरी का क्या राज है, क्यों आप काली डायरी बार बार? देखो, ये काली डायरी है ना, ये काली डायरी राजेंद्र सिंह गुड्डा के उदयपुर वाटी के हर ग्राम पंचायत और हर डाणी के में किए गए अतिक्रमण, अवैध हत्याएं, बजरी माफिया, खनन माफिया, उसके पन्ने हैं। वो तो लाल डायरी नहीं खोलता, मैं काली डायरी खोल रहा हूं। देखो आप, पहला पन्ना है, मीडिया को दिखाइए, पहला पन्ना है राजेंद्र गुड्डा के काली डायरी का, और ऐसी डायरिया उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव हर डाणी में बनी हुई है। तो क्या ये लाल डायरी का जवाब है? लाल डायरी का सरासर जवाब है ये, उदयपुर वाटी की 36 कौम ने ये जवाब दिया है। संदीप जी, कुछ दिन पहले आप भाजपा की बातें कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे हैं, क्या आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखो, ऐसा है, मैं भाजपा की बात कर रहा था, आज मैं कोई अशोक गहलोत साहब की बात नहीं की। अशोक गहलोत साहब हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, मेरे आदरणीय है, मैं उनको पहले भी नेता मानता था और आज भी नेता मानता हूँ। तो आगे की जो रणनीति है, किस पार्टी की तरफ आप रुझान कर रहे हैं, ये आप जनता को बताइए, क्योंकि सस्पेंस आपने रखा हुआ है अभी भी। देखो, सस्पेंस जरूरी है, सस्पेंस होना जरूरी है, विरोधियों के लिए सस्पेंस बना रहना चाहिए। और रही बात अशोक गहलोत साहब की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, मैं पुनः आपको कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब से लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस देश में कोई नहीं है। अशोक गहलोत साहब को अमेरिका में भी बुला के भी अवार्ड दिया गया कि वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। लाल डायरी का प्रकरण तेजी से चल रहा है और वर्तमान जो विधायक है वो यात्रा निकाल रहे हैं, उनका यात्रा निकाल रहे हैं कि मेरे साथ। देखो, विधायक तो वर्तमान है ही नहीं, वो तो पूरा हो चुका। मैंने बांडानड़ा में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कहा था, राजेंद्र गुड्डा तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उससे लेकर आज तक का दिन देख लो, उसकी उल्टी गिनती शुरू ही नहीं हुई, पूरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो एक दिन विधानसभा में कह रहा था कि गाड़ी फॉर्च्यूनर में कांग्रेस आ जाएगी, मैंने कहा था तू साइकिल पे आ जाएगा, उसका नतीजा देख लो, वो साइकिल छोड़ उठ गाड़े पे आ गया। दुर्भाग्य देखो उसका और उसके कार्यकर्ताओं का कि राजेंद्र सिंह गुड्डा जैसा आदमी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अवैध माफिया, खनन माफिया, जिसकी हालत आज उदयपुर वाटी की जनता ने ऊंट गाड़े पे बिठा दिया उसको। अभी चुनाव की बात करें तो क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अभी भाजपा से चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, उदयपुर वाटी की 36 कौम, यहाँ का मेरा युवा साथी जो चीज चाहेगा मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैंने माली महासंगम जयपुर में भी कहा था, पार्टियां कोई भीख में टिकट नहीं देती, पार्टियां ताकत को टिकट देती है, और ताकत उदयपुर वाटी की 36 कौम है।
आज की रैली को देखकर आपको क्या लग रहा है माहौल किधर जा रहा है उदयपुर वाटी की जनता का? उदयपुर वाटी की जनता 1000% परिवर्तन चाहती है। ये लोग चीज आपने भी अपनी आंखों से देखी है। उदयपुर वाटी का युवा परिवर्तन चाहता है। जो इसने 1000 बीघा जमीन पे अवैध फार्म हाउस बनाए हैं, इसने गुड़ा में फार्म हाउस बनाया है, इसने गुड़ा ढेर में फार्म हाउस बनाया है, गुड्डा के अंदर स्वामियों की जमीन को खुद की पत्नी के नाम करवा के जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाया है, उन गिरावड़ी में इसने फार्म हाउस बनाया है, छापोली में इसने फार्म हाउस बनाया है, कितने एक अवैध कब्जे में आपको बताऊं कि उदयपुर वाटी के हर गांव गांव में तो अवैध कब्जे किए ही किए हैं। इसने सीकर में अवैध कब्जा किया है, इसने जयपुर में अवैध कब्जे किए हैं, नीमका थाना में अवैध कब्जा किया है, उदयपुर वाटी नगर पालिका के क्षेत्र घूमचक्कर पे इसने अवैध कब्जा किया है। मैं आश्वस्त करता हूं इस मीडिया के माध्यम से उदयपुर वाटी की नहीं राजस्थान की 36 कौम को कि ये संदीप सैनी आपकी न्याय के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करता रहेगा। और आपको आश्वस्त करता हूं कि जनवरी में जब विधानसभा में जाऊंगा सबसे पहला काम राजेंद्र सिंह गुड्डा के अवैध कब्जों को हटवाना ही रहेगा। उदयपुर वाटी में बदलाव आएगा तो निश्चित उदयपुर वाटी में बदलाव आएगा। उदयपुर वाटी का हर 36 कौन बदलाव चाहती है और बदलाव की ये जनवरी में मैंने कार्यक्रम किया था, उसके बाद में मैं मेरा ये पांचवा कार्यक्रम है। आप देख लो कि उदयपुर वाटी की 36 कौन बदलाव चाहती है या नहीं चाहती। उदयपुर वाटी का हर आदमी बदलाव चाहता है और ये बदलाव सुनिश्चित है। गुंडा टैक्स की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार के टैक्स को आप गुंडा टैक्स बता रहे हैं? देखो गुंडा टैक्स में इसने काटली जो नदी है उसके अंदर अपने अवैध गुर्गे बैठा रखे हैं, उन लड़कों को ये दारू पानी पिलाता है, मांस मछली खिलाता है, उनसे जो पीड़ित है शोषित है जो वंचित परिवार है जो ट्रैक्टर ट्रॉली किस्तों पे लाता है जो ट्रक किस्तों पे लाता है उससे बदरी बढ़ने के अलावा 4000 रुपए लिया जाते हैं, वो सरेआम ले जा रहे हैं। मैंने खनन विभाग को कई बार कहा और मीडिया के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूं कि आप कल की तारीख में ये गुंडा टैक्स खत्म करवा दो। पुलिस जो मंथली लेती है, पुलिस जो लोगों को डराती है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जो एससी एसटी समाज उदयपुर वाटी में बसा हुआ है उसके ऊपर 200 एफआईआर दर्ज हुई और तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक नवलगढ़ द्वारा 100 मुकदमों के ऊपर एफआईआर लगा दी गई। क्या एससी एसटी का अधिकार नहीं है इस क्षेत्र में रहने का? उनकी एफआईआर लगा दी, उन 100, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं कि 200 एफआईआर एससी एसटी के ऊपर दर्ज हुई, उनमें से 100 के ऊपर एफआईआर लगाने का काम किया। इसने एससी एसटी के साथ जो अत्याचार किए, बहन मायावती जिसने इसको जीवनदान दिया उसके लिए इसने विधानसभा में बोला। क्राइम पे और क्या बोलना चाहेंगे, जैसे उदयपुर वाटी में क्राइम बढ़े हैं पीछे वाले कुछ समय से? देखो गुर्जर समाज की राजनीतिक हत्या हुई, गुर्जर समाज के लड़के को मणकसास में मारा गया, मेघवाल समाज के साथ अत्याचार लगातार हो रहे हैं, स्वामी समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, माड़ियों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जाट समाज के साथ मतलब अवैध कब्जे के साथ जाट समाज को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारी बहन बेटियों को यहाँ उदयपुर वाटी में नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, ये आपका भाई आपका बेटा उनके ट्रांसफर नहीं होने देगा, ये मेरा 100% वादा है। उदयपुर वाटी की जनता को विशेष संदेश? उदयपुर वाटी की जनता से 36 कौम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मेरा साथ दो, आपके हक और अधिकारों बढ़ाओ, आपके स्वाभिमान की लड़ाई, ये आपका बेटा आपका भाई संदीप सैनी का उम्र लड़ता रहेगा संघर्ष करता रहेगा और जब जब भी मुझे जरूरत पड़े आपको जरूरत पड़े, रात को 12 बजे भी मेरे दरवाजे खुले हैं, आपके लिए मैं हर समय तैयार मिलूंगा, मुझे जरूरत पड़े आप जैसे आज आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं उपेक्षा करता हूं कि अगली बार इससे भी ज्यादा संख्या में आप पधारेंगे। सभी पधारे हुए मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।